हेलो बच्चों एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल मेडिको 720। तो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि हम एक नई मतलब न्यू एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं कि जिसमें एक डेढ़ घंटे में सारा एक चैप्टर जो है वो कवर कर दूंगी मैं। तो आज के लेक्चर में हम करेंगे लिविंग वर्ड। तो लिविंग वर्ड मतलब लिविंग वर्ड में क्या आता है कि डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। लिविंग वर्ड में क्या आता है डिफाइनिंग फीचर और नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो डिफाइनिंग फीचर का किसे कहा जाता है, जो डिफाइनिंग फीचर है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं। और वो नॉन डिफाइनिंग प्रेजेंट जो है मतलब फीचर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। मतलब जो ग्रोथ है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, रिप्रोडक्शन है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है, मेटाबॉलिज्म मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्सिक्वेंस वो भी डिफाइनिंग फीचर है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। याद रखो बच्चों कि ये जो है ये दोनों GR, हम बोलते हैं कि हाँ गवर्नमेंट का कोई GR आया है, तो उससे याद रखो कि नॉन डिफाइनिंग फीचर है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। तदनंतर मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइनिंग फीचर है, कॉन्सिक्वेंस जो है वो भी डिफाइनिंग फीचर है। आई होप दिस स्लाइड इज क्लियर, बिकॉज मैंने डिफाइनिंग फीचर जो है वो ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। मेटाबॉलिज्म आपने देखा है कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, हमारे स्टोन में केमिकल ब्रेकडाउन होता है क्या? ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्सिक्वेंस हमारे स्टोन मतलब जो स्टोन होता है उसको हम ऐसे मारे तोड़े तो उसको फील होता है क्या वो चीज़? तो इसी वजह से जो है वो मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सिक्वेंस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे फीचर है। अब हमने क्या देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये जो पांचों जो है हम टोटल डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है। फर्स्ट हम देखेंगे कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ क्या होता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर ट्विंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ के? इंक्रीज इन मास, किसमें? मास में इंक्रीज होता है और नंबर में इंक्रीज होता है। ये जो है तो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे किसके? ग्रोथ्स के कैरेक्टरिस्टिक है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वो भी ग्रोथ शो करते हैं। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रोथ शो करते हैं किससे? सेल डिविजन से। मैं जो सारा जो पढ़ा रही हूँ वो NCERT का है, तो प्लीज़ आप डाउट मत लेना कि हाँ दीदी ये NCERT से बाहर है या कुछ और, मैं सिर्फ बेसिक पढ़ा रही हूँ। इंक्रीज इन मास, क्या मैंने बोला? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैरेक्टर ट्विंस, नंबर आर ट्विंस कैरेक्टर, ये दोनों कैरेक्टर्स है ग्रोथ के। तो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कैसे ग्रो करते हैं? बाय द सेल डिवीजन। ग्रोथ होती है जो प्लांट में होती है और एनिमल में होती है। ग्रोथ जो प्लांट में होती है वो थ्रू आउट लाइफ होती है। आपने कभी देखा है क्या, हाँ प्लांट सिर्फ 3 सेंटीमीटर ही बढ़ जाता है या प्लांट सिर्फ ऐसे मतलब नहीं का ज़्यादा नहीं बढ़ जाता, ऐसे एक लिमिटेड ग्रोथ होती है। जो हमारी ग्रोथ होती है एनिमल्स की एक लिमिटेड अप टू सर्टन एज पे होती है, वैसे प्लांट्स की जो है वो उनकी थ्रू आउट लाइफ होती है। हमारी जो ग्रोथ है वो 18 या 20-21 समथिंग ऐसे इसी एज पे होती है, आगे उसके बाद हमारी ग्रोथ नहीं होती। तो प्लांट्स में ऐसा नहीं होता कि हाँ 20 साल तक ही उसकी ग्रोथ हो जाए और उसके बाद स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं होता, वो थ्रू आउट लाइफ ग्रो कर देता है। उसके बाद इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। हमने ऊपर देखा कि मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। हमने क्या देखा कि मास का इंक्रीज और नंबर का इंक्रीज होना ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ। और यही लाइन हमने नीचे दिखी है कि इंक्रीज इन बॉडी मास, बॉडी मास में जब ग्रोथ हो जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं कि ग्रोथ है वो। तो ये जो ग्रोथ है हमने ये मास इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ये दोनों जो कैरेक्टर्स लिखे हैं वो ग्रोथ है। तो हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं? तो देखो ये जो है ये
एक सैंड का माउंट है, ठीक है, एक सैंड का माउंट है और हवा आई तो ये जो है वो सैंड का माउंट ऑदर भी सैंड यहाँ पे एकुमुलेट हो गई, तो ये जो सैंड है वो इंक्रीज हो गई इससे, ठीक है, इंक्रीज हो गई है यहाँ पे, इंक्रीज हो गई तो इसके वजह से जो है वो हमारी ग्रोथ जो है यहाँ पे दिख गई, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, ये दोनों कैरेक्टर्स की वजह से हम जो है हमारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो शो करते हैं ऐसा हम बोलते हैं। जो माउंटेंस होते हैं, जो आइस हो जाता है, आइस जो मतलब उस पर मतलब देखो हिमालय जो है उस पर आइस एकुमुलेट हो जाता है, गिर जाता है, तो उसे क्या कहते हैं हम, ग्रोथ कहते हैं। सॉइल बाइंडर जो है उसे भी ग्रोथ कहते हैं। कैन ऑल्सो ग्रो बाय द एकुमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस, मैंने कहा कि एकुमुलेशन जो होता है सरफेस में तो वो भी ग्रोथ हम कंसिडर करते हैं। सो ग्रोथ इज नॉन डिफाइनिंग फीचर, क्यों ग्रोथ को हमने नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा है, आपको समझ आया, आपको अंडरस्टैंड हो गया कि हम बोल रहे हैं कि इंक्रीज इन अ मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ नंबर्स आर कैरेक्टरिस्टिक मींस कैरेक्टरिस्टिक फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो ग्रोथ जो है इंक्रीज इन अ मास एंड इंक्रीज इन नंबर, तो हम कह रहे हैं कि इंक्रीज इन मास, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी हम इंक्रीज इन मास में कंसिडर कर सकते हैं। सो डिफाइनिंग फीचर नहीं है ग्रोथ हमारी। और उसके बाद ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड, मतलब ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड जब एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाए तो वो डिफाइनिंग फीचर नहीं है बच्चों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इनसाइड की जो ग्रोथ होती है वो जो है वो डिफाइनिंग फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसके बाद हमने क्या देखा था इधर कि हमारे ये जो है वो दो कैरेक्टर है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर्स है, कैरेक्टर्स है बट नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो हम आगे देखते हैं कि हमारा रिप्रोडक्शन क्या कहता है, तो रिप्रोडक्शन क्या कहता है, रिप्रोडक्शन मतलब क्या, हमारे जैसा और कुछ मतलब रिप्रोड्यूस करना, हमारे जैसा एक ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करना उसे रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फंगी में कैसा होता है रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल स्पोर्स फॉर्मेशन उधर होता है और प्रोडक्शन हो जाता है। ईस्ट एंड हाइड्रा में हम मतलब 9th-10th से पढ़ते आ रहे हैं कि ईस्ट एंड हाइड्रा में हमें बडिंग नज़र आती है, ईस्टर्न हाइड्रा में बडिंग नज़र आती है। प्लानेरा जो है वो रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन मतलब वो जो है उसकी बॉडी जो है वो ब्रेक करता है और वो जो है दूसरी बॉडी मतलब प्लानेरा या प्लान मतलब प्लाटियन में से जो एग्जांपल हम मतलब एनिमल किंगडम में देखेंगे कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। फंगी फिलामेंटस एल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मासेस जो है वो फ्रैगमेंटेशन से ये करते हैं मतलब रिप्रोडक्शन करते हैं, अदर ऑर्गेनिजम्स उनके जो है वो देखते हैं। अब रिप्रोडक्शन में दो टाइप आते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम वो आगे देखेंगे, उनका डिटेल चैप्टर भी हमारे पास है कि क्या सेक्सुअल होता है क्या असेक्सुअल होता है, बट मैं इधर एक ओवरव्यू देती हूँ कि असेक्सुअल एंड सेक्सुअल क्या होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि गैमेट फॉर्मेशन होता है, उनका फ्यूजन होता है और जायगॉट फॉर्म होता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्म नहीं होता है, तो उसमें जो है वो जो क्लोन होता है मतलब जो ऑफस्प्रिंग होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो एग्जैक्टली कॉपी होते हैं हम उसके पेरेंट्स के, तो उन्हें क्लोन बोला जाता है। तो हम देख रहे थे रिप्रोडक्शन, वंगी में देखा असेक्सुअल स्पोर्स, इसमें क्या देखा हमने अबडिंग इन हाइड्रा, उसके बाद प्लानेनारिमिया शो रीजनरेशन, फंगी फिलामेंटस अल्गी प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेस बाय द फ्रैगमेंटेशन। देयर आर मेनी ऑर्गेनिजम्स, उसमें जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो है वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि सारे, हाँ हमें पता है कि हाँ बहुत से ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो हमें क्या पता कि हाँ हम फीचर मानेंगे या नहीं मानेंगे, बट ऐसा नहीं है बच्चों, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते। म्यूल्स हैं, वर्कर बीज है या इनफर्टाइल कपल है, ये एग्जाम्पल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि म्यूल्स वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए हमने रिप्रोडक्शन जो है नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा है, रिप्रोडक्शन को नॉन डिफाइनिंग फीचर कहा है। उसके बाद ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, हमने देखा कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन के कौन से मतलब ग्रोथ के कौन से ट्विंस कैरेक्टर देखे थे हमने,
तो हमने देखे थे ट्विंस के दो कैरेक्टर, जो इंक्रीज इन अ मास होता है या इंक्रीज इन नंबर जो होता है, वो दो कैरेक्टर्स है ग्रोथ के। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। मतलब ये दोनों जो है वो डिफरेंट है, मतलब ये सेपरेटली स्टडी किया जाता है इन दोनों का। और म्यूचुअली इन एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अप्रोक्स सेम ही पाए जाते हैं, उसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आता है। यही है कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जो है मल्टी सेलुलर में कैसा होता है, एक्सक्लूसिवली होता है, डिफरेंट होता है, और यूनिसेलुलर में इन एक्सक्लूसिव होता है, सेम होता है, याद रखो ये लाइन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि फीचर्स में मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मतलब मेटाबॉलिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा था कि वो डिफाइनिंग फीचर है। हमने देखा था कि ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ये दोनों जो है वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद रिप्रोडक्शन है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ये कॉन्सिक्यूनेस है, ये डिफाइनिंग फीचर्स है। और मैंने एक्सप्लेन भी किया कि वो क्यों डिफाइन है और क्यों नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन इज एसेंशियली ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो है मेटाबॉलिज्म रिएक्शन जो है हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इसेंशियली ऑकर्स हो जाता है, बट मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। मतलब आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम ये जो है वो रिएक्शन सेल फ्री स्टेट में हम करवा सकते हैं, ये बताया है इन्होंने। मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म आउटसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लैबोरेटरी, ठीक है। सो मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल आर डिफाइनिंग फीचर। ये जो है मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उसे कहा जाता है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, उसके बाद मेटाबॉलिज्म जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद आता है कॉन्सिक्यूनेस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स। इसमें जो है वो मोस्ट मतलब ऑब्वियस कॉम्प्लिकेटेड मतलब फीचर है, जो हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड क्यों, तो जो कॉमा पेशेंट होता है वो ब्रेंडेड होता है, ठीक है। तो उसमें कॉन्सिक्यूनेस नहीं होता है, बट उसका हार्ट बीट वगैरह सब कुछ मतलब चालू रहता है। तो हम क्या कहते हैं कि वो मर गया, ये जिंदा है। मुझे कमेंट में बताना कि जो कॉमा में पेशेंट होता है हमें उसे मतलब जो डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है वो भी बताना, लिविंग है या नॉन लिविंग है वो भी बताना मुझे, ठीक है। आपको मैं बाद में आंसर कर दूंगी इसका, मुझे आता है बट आप कमेंट में बताना। उसके बाद कॉन्सिक्यूनेस का क्या है, एबिलिटी टू सेंस दर एनवायरमेंट। हमें जब कोई मतलब ऐसे पिन चुबाता है या स्वीट चुबाता है तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ हमें कोई मतलब ऐसा टच कर रहा है या कोई उसे कहते हैं कॉन्सिक्यूनेस। एंड हम जब रिस्पोंड करते हैं उसी स्टिमुलाई को, विच कैन बी फिजिकल केमिकल और ये जो है फिजिकल केमिकल और फिजिको केमिकल, ठीक है, ये दोनों प्रोसेस होते हैं जब हम उसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करते हैं। अब प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों है यहाँ पे, सॉरी मेरे गलती से हो गए, यहाँ पे एनिमल भी है, ठीक है। प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक अ लाइट, वाटर, टेम्परेचर एंड पोल्यूटेंट्स, ठीक है। दोनों इफेक्ट हो जाते हैं, जब एक्सटर्नल फैक्टर हो जाता है उससे दोनों भी प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों भी अफेक्ट कर देते हैं। फोटोपीरियडिज़म्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर, मतलब जो सीजनल ब्रीडर होते हैं उसमें फोटोपीरियडिज़म जो है इधर नहीं है, ये जो है प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फैक्टर, जो लाइट आती है मतलब लाइट कम हो जाती है तो प्लांट रिस्पॉन्ड कर देते हैं, वाटर कम हो जाता है तो उसमें कर्लिंग ऑफ लीव्स होता है, जो प्लांट है वो सुकुड़ जाता है, टेम्परेचर कम मिलता है तो उसमें फ्रूट फॉर्मेशन या अदर कुछ जो मतलब प्रोसेस होती है वो नहीं होती है। पोल्यूटेंट्स जो है मतलब पोल्यूशन जब इंक्रीज हो जाता है तो भी मतलब प्लांट जो अच्छे से सर्वाइव नहीं करते। फोटोपीरियडिज़म्स अफेक्ट द रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो फोटोपीरियडिज़म जो है वो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स को इफेक्ट करते हैं, मतलब सीजनल ब्रीडर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं। ह्यूमन बींग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज़ अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ह्यूमन बींग अकेला ही है जो अवेयर है हिमसेल्फ पे, मतलब
जो अपने अपने मतलब सेल्फ कॉन्सिक्यूनस उसमें है, इसलिए जो है ह्यूमन बींग सबसे ज़्यादा अभी प्रोग्रेस कर रहा है। इसकी वजह है कि साइंटिफिकली वो सेल्फ कॉन्सिक्यूनस ज़्यादा है, उसको अपनी अपनी ज़्यादा पड़ी रहती है, इसलिए वो अभी जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा साइंटिफिक का ये है। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी जो है, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ, कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं, कितने बर्ड्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, कौन से एनिमल्स हैं, कितने स्पेसिस हैं, तो हम देखते हैं कि 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस नोन, ये नीट का PYQ है याद रखो, 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पेसिस आर नोन, जो है इतने स्पेसिस जो है वो अभी मतलब हमें पता है कि हाँ इतने स्पेसिस है, ठीक है। तो हमने अभी तक क्या देखा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है लिविंग वर्ल्ड में ग्रोथ रिप्रोडक्शन नॉन डिफाइनिंग है, मेटाबॉलिज्म सेलुलर ऑर्गेनिज्म कॉन्स्टिट्यूट जो है वो डिफाइनिंग फीचर है। उसके बाद हमने क्या देखा कि ग्रोथ में देखा कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ कैरेक्टर निम्बर, ये जो दोनों ट्विंस कैरेक्टर्स है, यूनिसेलर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे ग्रो करते हैं, बाय सेल डिविजन। प्लांट्स में जो ग्रोथ होती है थ्रू आउट लाइफ होती है, एनिमल्स में अप टू सर्टन एज पे होती है। इंक्रीज इन बॉडी मास, हमने देखा ऊपर कि बॉडी मास में जब इंक्रीज होता है तो ग्रोथ कंसिडर की जाती है, बट हमें जो है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ नज़र आती है, जो माउंटेन्स होते हैं, सैंड बाइंडर्स होते हैं, उसमें ग्रोथ आती है, उसमें एकोमोलेशन होता है सर्फिस में, तो उधर हमें ग्रोथ दिख जाती है, उसका मास इंक्रीज हो जाता है। ग्रोथ ऑफ नॉन डिफाइनिंग फीचर जो है, मतलब ग्रोथ देयरफॉर नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड जो है वो डिफाइनिंग फीचर है, ये याद रखना, जब कोई इनसाइड ग्रोथ प्रूफ है तो वो नॉन डिफाइनिंग फीचर है बच्चों। उसके बाद हमने मेटाबॉलिज्म देखा, मेटाबॉलिज्म में क्या देखा कि रिएक्शन जो है इनिशियली ऑकर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ये रिएक्शन ऑकर होती है, बट मेटाबॉलिज्म कैन डेमोन्स्ट्रेटेड इन आउटसाइड सेल फ्री रिएक्शन हो जाती है। उसके बाद सो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है इनसाइड बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर है हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद हमने देखा कॉन्सिक्यूनेस, मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ये जो है एबिलिटी रखता है हमारे एनवायरनमेंट को सेंस करने की या फील करने की एबिलिटी इसमें होती है। उसके बाद हम जो प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, जो लाइट होती है या वाटर होता है, टेम्परेचर होता है, पोल्यूशन होता है, उसमें हमारे जो प्लांट्स हैं वो रिएक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, अगर उसमें चेंज आता है तो वो प्लांट में भी चेंज आता है। फोटोपीरियड्स अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन द सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ह्यूमन बींग इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, ह्यूमन बींग अकेला ही है जो अवेयर है। बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, उसे बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। 1.7 टू 1.8 मिलियन मतलब जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो नोन है। उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद देखा कि बायोडाइवर्सिटी के बाद जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो 1.7 टू 1.8 मिलियन हमने देखी। उसके बाद ICBN, इसके फुल फॉर्म याद रखना, PYQ में बहुत ज़्यादा बार ये जो है वो मतलब फुल फॉर्म इसके पूछे हैं, तो प्लीज़ ये याद रखना, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, आई फॉर इंटरनेशनल, सी फॉर कोड, बी फॉर बॉटनिकल, एन फॉर नोमेनक्लेचर, बी मतलब बॉटनी, तो ये तो याद आएगा। उसके बाद इधर जूलॉजी है, सिर्फ यही बी और जेड इसमें ही एक्सचेंज किया है, बाकी सारा सेम है, जेड फॉर जूलॉजी और बी फॉर बॉटनी ऐसा है। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जो है हमारे फेमस साइंटिस्ट जो है कैरोलस लिनेस, जो हमारे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड चैप्टर में इनका जो है वो मतलब जिक्र किया है कि कैरोलस लिनेस कौन था, कौन कौन से मतलब किंगडम उसने डिस्क्राइब किए थे, दो किंगडम डिस्क्राइब किए थे, एनिमल एंड प्लांट्स जो है मतलब वो उन्होंने डिस्क्राइब किए थे, तो ऐसे मतलब जो है वो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड चैप्टर में शायद लगभग आए हैं ये,
तो ईच नेम हैज़ अ मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर लिखा क्यों गया, तो उसका इंटेंशन क्या था कि हर स्टेट में या हर कंट्री में उस नाम को अलग अलग, मतलब हम स्टेट में छोड़ो, हमारे गांव में एक कुछ अलग बोला जाता है, पास के गांव में कुछ अलग ही वर्ड होता है, जैसे मैंगो है, आम है, या कोई मतलब एक ही मतलब चीज़ है, उसको मतलब बहुत सारे लैंग्वेज में वो बोला जाता है, तो उसी को पहचानने के लिए ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया। उन्होंने क्या कहा, मतलब जिस भी नाम को टू कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम जब करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट लेने हैं, मैग्निफेरा इंडिका, जो दो कंपोनेंट है उसमें जेनेरिक नेम एक होता है और स्पेसिफिक एपिथेटिक होता है। तो जेनेरिक नेम क्या होता है, अब ये मैग्निफेरा, ये फर्स्ट वर्ड जो है वो जेनेरिक नेम है, ठीक है, और जो हमारा स्पेसिफिक एपिथेट या स्पेसीज है वो हमारी इंडिका है, ठीक है, ये इंडिका हमारी स्पेसीज है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सल रूल हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में दिया है, वो जो है मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ, ज़्यादा पढ़ लिख के नहीं, तो इसमें ही समझा देती हूँ। जो हमारा जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो लैटिन, मतलब जनरली लैटिन होता है और रिटन होता है, मतलब जो हम लिखते हैं तो इटालिन में, इटैलिक में होता है, ठीक है। तो लैटिन जो है वो डेड लैंग्वेज है, इसलिए वो मतलब ये तो एक्सटर्नल हो गया, बट मैं बता देती हूँ, जो लैटिन जो है उसमें जनरली होता है और रिटन होता है इटैलिक में। फर्स्ट वर्ड जो होता है हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर का वो कैपिटल लेटर में होता है और सेकेंड वर्ड जो है वो स्मॉल लेटर में होता है, जिसे स्पेसिफिक एपिथेट कहा जाता है, और ये जो फर्स्ट लेटर है हमारा जेनेरिक नेम कहा जाता है, ये फर्स्ट नाम जो है मैग्निफेरा उसे जेनेरा कहा जाता है, इंडिका स्पेसिफिक एपिथेट को कहा जाता है, इसका कैपिटल लेटर होता है जिनेरा का, और इसका जो है सेकंड मतलब सेकंड वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल लेटर होता है। बोथ द बायनोमियल नोमेनक्लेचर जो है हैंड रिटन जब हो गए, देखो मैंने किसे अंडरलाइन की है, क्यों की है, बिकॉज ये अंडरलाइन क्यों की है, बिकॉज ये हैंड रिटन है, मैंने हाथ से लिखे है, तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करनी है। उसके बाद फर्स्ट मतलब ये हमने सभी अभी देखा कि हाँ ये क्या होता है, इसके रूल देखे, इतने ही रूल है, ठीक है। तो नेम ऑफ द ऑथर जो है, जो ऑथर का जो नाम है वो कहाँ पे, आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब हमने मैग्निफेरा इंडिका कहा उसके बाद, ये स्पेसिफिक एपिथेट है उसके बाद ही आएगा कि इसका नाम क्या है, ठीक है। मैग्निफेरा इंडिका लीन, मैग्निफेरा इंडिका लीन जो है टैक्सोनॉमी है, बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासीफाई इंटू डिफरेंट टैक्सा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई है, टैक्सोनॉमी उसे बोलते हैं। तो टैक्सोनॉमी कौन कौन से, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन आता है। हम जो ये लेक्चर है वो हम अभी एक घंटे में ख़त्म करेंगे, अभी ये आधा घंटे का मैं अपलोड कर देती हूँ, आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो प्लीज़ मुझे बताना। और ये सारे जो नोट्स है मेरे हैंड रिटन वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर देती हूँ, मेडिको 720, यही हमारा टेलीग्राम का नाम है, चैनल का नाम है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूंगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।